మందాకిని సలిల చందన్ చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ మందార పుష్ప బహు పుష్ప సుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ. ప్రస్తుత శ్రావణ మాస్ కే తహత్ సభీ శివ భక్తో కే లియే దైనిక పంచాంగ ఏవం శివ పురాణ కే మహిమా కీ కథా ఔర్ సాథ్ మే హీ శ్రావణ మాస్ మే ధ్యాన రఖనే జైసీ ఖాస్ బాతే. మాస్ శ్రావణ, పక్ష శుక్ల, తిథి తృతీయా, నక్షత్ర మాఘ, ఋతు వర్షా. ఆజ్ కే దిన్ కీ కథా. सुत जी ने सभी ऋषियों को संबोधते कहा, हे मुनि वृंद, पूर्व में जब कल्प का नाश हो गया था तब छह कुलीन ऋषियों ने सृष्टि आरंभ का विचार किया और विचार किया कि पुनः सृष्टि की रचना कैसे हो। इस विचार को सार्थक करने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्म इंद्र आदि महाभूत एवं इंद्रियों की उत्पत्ति के सहारे जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, वही सबसे परे हैं। वैसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही है जो इस सृष्टि का पुनः उत्थान करने के लिए समर्थ है। देवता आदि सब जिनके दर्शन के लिए अभिलाषित होते हैं, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही देवों के देव महादेव में से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अतः हे मुनि, महादेव जी को प्रसन्न करने हेतु दीर्घ यज्ञ का सत्र कीजिए, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो साध्य और साधन का भी ज्ञान हो जाएगा। मुनियों ने प्रश्न करते हुए पूछा, हे ब्रह्म, साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना। वेद विधि से, मनन और श्रवण कीर्तन से आराध्य वैसे शिव जी का योग प्राप्त करना चाहिए। यह सुन महर्षियों ने पुनः प्रश्न किया, मनन और श्रवण कीर्तन क्या है? ब्रह्मा जी ने प्रत्युत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम, लीला और उनकी पूजा से उस भगवान शिव में रुचि पैदा करना, निरंतर युक्तियों के सहित अपने मन को उनके सम्मुख करना मनन कहलाता है। और भगवान शंभू का नाम उच्चारण, सत्संग, शिव महिमा की कथा सुनना, कीर्तन करना, पुराणों की चर्चा करना, यह सब श्रवण कीर्तन है। कथा का श्रवण करते हुए मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनन, श्रवण और कीर्तन करने के लिए जो असमर्थ है वह कैसे मुक्त हो सकता है? जो भी मानव श्रवण कीर्तन और मनन के लिए असमर्थ है, वह छल और कपट रहित भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की स्थापना करता है और उनके उत्सवों का आयोजन करता है, भोग धराकर लोगों को खिलाता है, वैसे अच्छे कार्य कर वो जीव संसार सागर से पार हो जाता है। मैंने अपने गुरु प्रवरों से सुना है कि शिवजी ब्रह्म स्वरूप और काल रहित है, वे सभी कलाओं से युक्त है। शिवजी साकार और निराकार दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुए विवाद का शमन करने शिवजी शिवलिंग में प्रकट हुए, तभी से निष्कल लिंग जगत में पूज्य हो गया। आगे सुतजी नंदिकेश्वर के द्वारा कथित ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए विवाद को शमन करने के लिए शिवजी का शिवलिंग में कैसे प्रागट्य हुआ, उस कथा का श्रवण करिए कल की महात्म्य कथा में। श्रावण मास में कुछ ध्यान रखने जैसी बातें, खास करके इस मास में गायत्री मंत्र और शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गले में 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, जिससे कि आपके सभी कार्यों की पूर्ति जल्द ही होती है। यह महीना भक्ति का महीना है, इसलिए प्रभु नाम संकीर्तन, शिव जी के मंत्र जाप और कथा श्रवण करनी चाहिए। इस महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाला व्रत होता है 16 सोमवार का व्रत। श्रद्धालु श्रावण के एक सोमवार को व्रत का आरंभ करें। खासकर आज के दिन मकर राशि के लोग शनि से संबंधित चीजें जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, कच्चा दूध, जामुन, लोहे का छल्ला, नीले फूल, नीले वस्त्र, नीलम रत्न शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नागेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय। भक्तिमय वीडियोस का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिमारू भक्ति चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक करें नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए।